साहित्य पत्रिका के श्रोताओं और दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आप सभी को हम नमस्कार करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ लोक कला और साहित्य संस्कृति की दृष्टि से भी समृद्ध है। छत्तीसगढ़ के अनेक साहित्यकारों ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, और यह भी आप भलीभांति अवगत हैं कि साहित्य की दो महत्वपूर्ण विधाएं हैं, हास्य और व्यंग। हास्य जहां हमें हंसाता है, ठहाका लगाने को विवश करता है, वहीं व्यंग समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करता हुआ हमें कुछ सोचने को विवश करता है। हास्य और व्यंग दोनों ही विधाओं पर समान रूप से कलम चलाने वाले रचनाकार अंबिकापुर से हमारे बीच पधारे हैं श्री राम कुमार वर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और इसी क्रम में हम आपसे बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि हास्य और व्यंग दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में जाने वाली विधाएं हैं। जी। लगती पास पास हैं, पर दोनों अलग अलग प्रभाव छोड़ती हैं। जी। आपने 30 वर्षीय अपने साहित्य की यात्रा में जी। इन दोनों विधाओं पर कलम चलाई है। जी। क्या फर्क पाते हैं आप साहित्य और साहित्य की इन दो विधाओं में, हास्य और व्यंग के बीच, और कौन सी विधा ज्यादा प्रभावशाली है? हास्य और व्यंग दो अलग अलग दिशाएं हैं। हास्य में स्थिरता नहीं। अच्छा। जबकि व्यंग में एक स्थिरता है। हास्य लंबे ठहाके के बाद में आदमी शांत हो जाता है। मुझे हास्य और व्यंग दोनों ही अच्छे इसलिए ही लगते हैं क्योंकि आज तनावपूर्ण जीवन में लोगों का एक मुस्कान पाना तो बड़ा कठिन है। बिल्कुल। हंसना बहुत अपने आप में बड़ी बिरली बातें हैं। जबकि हमारा ये मानना है कि तिरंगे की आन मुझे जितनी पसंद है, आपकी मुस्कान मुझे उतनी पसंद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। अब बात आपने तिरंगा की है। जी। हमारा देश अनेकता में एकता का बहुत ही आदर्श उदाहरण है। जी। अपनी रचनाओं में उनके माध्यम से हमारे देश की संस्कृति, हमारे अपने भाईचारा को लेकर आपस में सबको जोड़ने वाली कोई सशक्त रचना आपने की होगी जिसके बल पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है, हम सुनना चाहेंगे इस अवसर पर। ठीक है सर। मेरा परिचय है कि जितना बड़ा है घर मेरा उतना बड़ा परिवार है। अच्छा। जितना बड़ा है घर मेरा उतना बड़ा परिवार है। मेरे घर में है बसा अनुपम सुखद संसार है। जितना बड़ा है घर मेरा उतना बड़ा परिवार है। मेरे घर में ताजमहल जो प्यार की अमिट निशानी है, शांत नजर और मूक स्वरों में प्यार की कहे कहानी है। प्यार करो ऐ दुनिया वालों, प्यार में ही संसार है। जितना बड़ा है घर मेरा उतना बड़ा परिवार है। मेरे घर में राम बसे, जगह जगह गुरुद्वारे हैं। अल्लाह यीशु घर में रहते, ये चारों देव हमारे हैं। इन देवों की चरणों में झुका सारा संसार है। जितना बड़ा है घर मेरा उतना बड़ा परिवार है। बहुत ही बढ़िया। और आपकी इस रचना के बाद सचमुच हमें प्रेरित करती है रचना कि सब धर्मों को हम एक दृष्टि से देखें, एक समान देखें। और वर्मा जी, जन जन को भाती है ये छत्तीसगढ़ की माटी है। जी सर। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति ने निश्चित रूप से अपने गांव के चौपाल से निकलकर विश्व के कपाल पर अपने को स्थापित किया है। ऐसी बोली में क्या आप ये मानते हैं कि अन्य भाषा और बोली की तरह छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ी बोली में भी वही पहनापन, वही धारदार लेखन की संभावना है? ऐसा है मिश्रा जी, कल तक जब ये मध्य प्रदेश रहा तो छत्तीसगढ़ी बोली, छत्तीसगढ़ी बोलने वाले छत्तीसगढ़ के साहित्यकार अपने कलम में वो पैनापन लाने में असमर्थता मात्र इसलिए जाहिर करते थे क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि हमारे लेखन, हमारी शैली, हमारा मेहनत यहाँ तक ही कुंठित होकर के रह जाएगा। बाहर जा
जाना और वहाँ पर जाकर के झंडा गड़ाना, मुकाम जमाना, ये कठिन है। जबकि जब से हमारा छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तब से हमारे छत्तीसगढ़ी भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार में एक गौरव, एक उत्साह, एक ललक इस बात के लिए उनको प्रेरित होती अंतर अंदर से कि हमारी भी शब्द, हमारी माटी, हमारी भाषा, हमारी शैली, जब हर शैली, हर भाषा हिंदुस्तान के मुकाम तक, उस शीर्ष तक पहुंच सकती, तो हमारी छत्तीसगढ़ी क्यों नहीं पहुंच सकती, और हम उसको पहुंचाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप अपनी ऐसी रचना जो आप कह रहे हैं जी, वो हमें सार्थक होता हुआ दिखे, आप अपनी कोई छत्तीसगढ़ी में रचना से इसको अगर पुख्ता प्रमाण दें तो निश्चित रूप से हम सब को बड़ा बल मिलेगा, हम साहित्यकारों को बल मिलेगा। स्वागत है मिश्रा जी। इस संबंध में मेरी छत्तीसगढ़ी एक रचना है कि मेरी लड़की की विदाई हो रही है, मैं देख पाने, सुन पाने और बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ, और ऐसी परिस्थिति में मेरे साहित्यकार मित्रों के द्वारा मुझे रचना पाठ के लिए कहा गया, तो मैं किस प्रकार से रचना बोलूंगा वो प्रस्तुत करता हूँ। कि बिछड़े के मैं गीत लसंगी कैसे गावाओ रे, कि बिछड़ा थे मोर मोरनी मैं का गोटियाओ रे, बिछड़ा थे मोर मोरनी मैं का गोटियाओ रे, बिछड़े के मैं गीत लसंगी कैसे गावो रे, बिछड़ा थे मोर।